हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माई सेल्फ परमेश्वर सिंह क्लास। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड आंसर्स ऑफ ब्रेन डेवलपर एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9 एंड लेसन नेम इज मोर ऑन VB 2010 एक्सप्रेस। यू कैन सी हियर इज द ब्रेन डेवलपर एक्सरसाइज एंड फर्स्ट इज द फिल इन ब्लैंक्स। ओके, देखिए इसमें पहले से ही आंसर्स को फिल किया गया है। अ वेरिएबल रेफर टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड टेम्पोरली। मीन्स वेरिएबल मेमोरी में वह लोकेशन होता है जहां पर डेटा टेम्पोररी रूप से स्टोर होता है। ओके, एंड डेट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज। ओके, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, मेक कंपेरिजन्स एंड चेक लॉजिकल कंडीशंस। मीन्स ऑपरेटर्स ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं जिनके द्वारा हम कैलकुलेशंस, कंपेरिजन्स और लॉजिकल कंडीशंस को चेक करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू आर मोर कंडीशंस। ओके, दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं वह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डू वाइल मेक्स रिपीटेटिव वर्क इजियर इन अ प्रोग्राम। मीन्स डू वाइल जो होता है वो रिपीटेटिव वर्क को आसान कर देता है एक प्रोग्राम में। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स जो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वह सेट ऑफ स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करता है। ओके, एंड हियर यू कैन आल्सो सी द आंसर्स। ओके, वन बाय वन सी। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। एवरी वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम, बाय यूजिंग इट वी कैन आइडेंटिफाई इट इन अ प्रोग्राम। मीन्स हर एक वेरिएबल का अपना एक यूनिक नेम होता है और उनके द्वारा हम उसे प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल ट्रू है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मींस जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, उनका प्रयोग होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो कंपेरिजन के लिए होते हैं। ओके, तो ये फॉल्स होगा। लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर इसे फॉल्स फिल किया गया, बट इट ट्रू है क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। देखिए कैसे, देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसे चेंज करता है, मीन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करता है? आइदर बाय रिपीटिंग और स्किपिंग। ओके, या तो रिपीट करके या तो स्किप करके। मीन्स इसमें लूप भी आता है, इफ इल्स भी आता है, ठीक है, और सेलेक्ट केस भी आता है, चेकबॉक्स भी आता है, रेडियो बटन भी आता है। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी, यहां पर देखिए दो लूपिंग स्टेटमेंट है, उनका नाम है डू वाइल स्टेटमेंट और फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, ये दोनों भी जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे कंट्रोल करते हैं। ओके, इसलिए आपका जो ऑप्शन, सॉरी, जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रू करिए। नेक्स्ट, इफ देन इल्स आर यूज टू मेक डिसीजन बाय चेकिंग सम कंडीशंस। बिल्कुल ये सही है। फॉर नेक्स्ट लूप यूज टू रिपीट द टास्क फॉर फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। बिल्कुल ये फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ये भी सही है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मेक रिपीटेटिव वर्क ईजियर। मीन्स जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वह रिपीटेटिव वर्क को आसान करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन। ओके, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कंट्रोल स्टेटमेंट। इसलिए जो ये लास्ट नंबर है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, एंड हियर यू कैन सी द आंसर्स। ओके,
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, रवि हैज रिटेन अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 2010, रवि ने प्रोग्राम लिखा है एंड ही वांट्स टू कंबाइन टू आर मोर कंडीशंस इन अ प्रोग्राम, विच ऑपरेटर विल यू सजेस्ट हिम टू यूज फॉर दिस पर्पस। मीन्स रवि ने विजुअल बेसिक में एक प्रोग्राम लिखा है और वो चाहता है दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, तो दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। नेक्स्ट, मोनिका हैज डिजाइन अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक 2010 टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसने प्रोग्राम बनाया है। ओके, एंड सी वांट्स टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट चॉइसेस, और डिफरेंट चॉइसेस के अकॉर्डिंग वह प्रोग्राम को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहती है। ओके, एंड सजेस्ट हर एज टू व्हिच कंट्रोल स्टेटमेंट सी शुड यूज टू गेट करेक्ट आउटपुट, तो उसके उसको कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, तो उसे यूज करना चाहिए सेलेक्ट केस, सी शुड यूज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। ओके, सी नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ पिक्चर बॉक्स यूज टू डिस्प्ले द पिक्चर। ओके, तो इसके लिए यूज होती है विजिबल प्रॉपर्टी। ओके, एंड नेम द टर्म दैट रिफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोररली, तो इसके लिए होता है वेरिएबल, ऑप्शन ए। ओके, एंड व्हिच स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन विजुअल बेसिक, उसके लिए यूज होता है डिम। ओके, हम डिम स्टेटमेंट का यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। व्हिच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज रैंकिंग फ्रॉम -32,768 टू +32,768, तो ये रेंज होता है इंटीजर का। नेम द कंट्रोल इन विच द यूजर कैन चूज ओनली वन आइटम आउट ऑफ द गिवन आइटम्स, तो ऑप्शन के लिए कौन सा यूज होता है, रेडियो बटन। ओके, रेडियो बटन इसका ऑप्शन होगा, रेडियो बटन और चेकबॉक्स में यही डिफरेंस होता है कि रेडियो बटन में जैसे चार रेडियो बटन दिए हैं तो आपको उनमें से कोई एक ही आप चूज कर पाएंगे, जबकि चेकबॉक्स में आप दो तीन या चारों के चारों भी चूज कर सकते हैं। Which property checkbox control indicate whether checkbox is checked or not? तो इसके लिए होता है checked का। ओके, एंड which statement of Visual Basic used to execute the statement based on different choices? तो उसके लिए होता है select case। ओके, एंड finally you can see here the answers. And next, answer the following. What is variable? How will you declare variable in Visual Basic 2010? ओके, देखिए इसका आंसर बहुत इजी है। वेरिएबल रेफर टू मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्पोरली एंड इट हैज यूनिक नेम व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट इन अ प्रोग्राम। वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग डिम स्टेटमेंट। ओके, हम डिम स्टेटमेंट का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें डेटा को हम टेम्पररी रूप से स्टोर करते हैं, और प्रत्येक वेरिएबल का अपना यूनिक नेम होता है जिससे उसे प्रोग्राम में पहचाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या है, एंड राइट एनी टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड इन विजुअल बेसिक। ओके, तो ऑपरेटर्स जो है कि सिंबल होते हैं स्पेशल टाइप के जिनके द्वारा हम कैलकुलेशंस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या फिर लॉजिकल कंडीशंस चेक करते हैं। ओके, तो देखिए अरिथमेटिक और रिलेशनल दो टाइप की ऑपरेटर हैं। ओके, जिनका हम यूज करते हैं विजुअल बेसिक में डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, नेम ऑल द डिसीजन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट वही होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर देते हैं, या तो रिपीट करके या तो स्किप करके। ओके, तो यहाँ पे टोटल सिक्स टाइप के हैं, इफ देन इल्स है, फिर रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट है, डू व्हाइल है, या फिर फॉर नेक्स्ट है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो इम्प्लिसिट वेरिएबल
डिक्लेरेशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन होता है जिसमें हमें जो वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप फिक्स नहीं करना होता है। मीन्स हम डिम स्टेटमेंट का यूज़ करके उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। ऐसे वेरिएबल जिसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसको हम डिम स्टेटमेंट का यूज़ करके डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो उसे कहेंगे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। ओके, उसकी वैल्यू और उसका टाइप बाय डिफॉल्ट कंपाइलर के द्वारा उसमें फिल कर दिया जाता है या फिर उसको डिसाइड कर दिया जाता है। ओके, जबकि जो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है उसमें हम डीम स्टेटमेंट का यूज करके वेरिएबल का टाइप और उसका नेम हम राइट करते हैं, मींस उसको डिक्लेयर करते हैं जैसा कि हमने प्रोग्राम्स में किया है, उसे कहेंगे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ओके, तो यूजर से हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि वह हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करें, कंपाइलर के ऊपर न छोड़ें कि ऑटोमेटिकली उसको ऐसा करें। ठीक है, आप डिक्लेयर करके ही यूज़ करें, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द डीम स्टेटमेंट? डीम स्टेटमेंट यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। ओके, और उसका सिंटैक्स ये है और उसका एग्जाम्पल ये है। ओके, व्हेन डू वी यूज द लिस्ट बॉक्स? लिस्ट बॉक्स हम कब यूज़ करते हैं? लिस्ट बॉक्स को हम जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है लेसन का, उसमें मैंने आपको लिस्ट बॉक्स का यूज़ करके दिखाया है, लास्ट के जो सेकेंड पार्ट वीडियो उसमें है। ठीक है, द लिस्ट बॉक्स रिप्रेजेंट अ विंडो कंट्रोल टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम टू द यूजर। अ यूजर कैन सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू एड आइटम्स एट डिज़ाइन मेड बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी विंडो एट रन टाइम। ओके, या तो आप प्रॉपर्टी विंडो का यूज़ करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसके आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, या तो रन टाइम पर उसमें ऐड किया जा सकता है जैसा कि हमने किया हुआ है प्रोग्राम बना करके। ठीक है, जिसमें आपका वाइल का जो मैंने प्रोग्राम बनाया है या फिर फॉर नेक्स्ट का मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने लिस्ट बॉक्स का यूज़ किया है और रन टाइम पर उसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेयर ऑफ टर्म्स, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, जबकि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वे दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए होते हैं। डू व्हाइल और फॉर नेक्स्ट। डू व्हाइल जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम एक कंडीशन सेट करते हैं और वह लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वह एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। जबकि जो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वह भी जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखे गए होते हैं उनको रिपीट ही करता है, लेकिन वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक करता है। उसमें कहाँ से कहाँ तक उसको चलना है पहले से ही फिक्स करता है, और इसमें एक स्पेशल काउंटर का यूज़ करते हैं जो कि एग्जीक्यूशन के नंबर को काउंट करता है। ओके, एंड लास्ट इज द इनेबल एंड विजिबल प्रॉपर्टी ऑफ द चेकबॉक्स कंट्रोल। में इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, इनेबल जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल ठीक ढंग से समझाया हुआ है। यदि आप वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। यदि आप इनेबल को फॉल्स कर देंगे तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे जो चेकबॉक्स होता है वो हाईलाइट नहीं रहता, मीन्स उसमें आप जो कि टिक कर नहीं कर पाएंगे, इनेबल डिसेबल उसको आप नहीं कर पाएंगे, मीन्स चेक अनचेक नहीं कर पाएंगे आप, अगर आपने इनेबल को फॉल्स किया है तो। और अगर इनेबल ट्रू रहता है तो आप उसमें टिक कर पाते हैं और टिक को हटा पाते हैं। ठीक है, जबकि जो विजिबल प्रॉपर्टी है अगर उसको हम ट्रू करते हैं तो रन टाइम पे हमारा जो चेकबॉक्स होता है वो दिखाई पड़ता है, और अगर हम इसको विजिबल को फॉल्स कर देंगे तो चेकबॉक्स वहाँ पर दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जबकि जो इनेबल प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, दिखाई तो पड़ता है लेकिन वर्क नहीं करता, और विजिबल में क्या होगा कि टोटल वो हाइड हो जाएगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इनेबल और विजिबल प्रॉपर्टी में। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।